गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आपके चैप्टर टू नंबर टू इंडियन इकोनॉमी बुक से, वो था इंडियन इकोनॉमी 1952-1990, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कैसी थी और उसके उत्थान इस समय में इकोनॉमी के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कार्य किए गए, फाइव ईयर प्लान बनाए गए, उनके क्या गोल्स रखे गए। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे कि हर सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे ट्रेड हो, उसमें 1950 से 1990 के बीच में क्या सुधार हुए और क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसकी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। हम ये जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय तक भी हमारे कृषि क्षेत्र की क्या हालत हुई थी। औपनिवेशिक शासन काल में ना तो कृषि क्षेत्र में कोई ग्रोथ हुई थी, न ही इक्विटी, न ही समानता आ पाई थी। तो सबसे जो उस समय के जो हमारे नेता थे, उसकी उनकी सबसे पहली जो समस्या थी वो थी कृषि क्षेत्र में सुधार करना और इसके लिए नीति का निर्माण करना, नियमों को बनाना, ताकि कृषि क्षेत्र व कृषकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि पर ही हमारी पूरी जो जनसंख्या थी वो निर्भर थी और उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स जरूरी था, भूमि सुधार कार्यक्रमों को करना जरूरी था, किसान उन्नत बीजों का उपयोग कर सके, ये सब कार्य कर सके, इसके लिए सरकार ने अपनी नीतियां बनाई। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भू सुधार कार्यक्रम या भू सुधार लैंड रिफॉर्म्स कैसे किए गए, क्यों आवश्यकता हुई। अब क्योंकि हमारे उस समय में जो भू स्वामी थे उनके पास बहुत ही ज्यादा भूमि होती थी, बाकी की कृषि या तो टेनेंट के रूप में, किराए के रूप, किराएदार के रूप में काम करते थे, या भूमि जो जोतों का वितरण बहुत ही असमान था। तो उनका जो सबसे पहला जो मोटिव था, ध्येय था, लक्ष्य था लैंड रिफॉर्म्स का, वो है जोतों का, जो लैंड्स हैं उसका निर्धारण करना, जो कृषि भूमि है उसका निर्धारण करना, ताकि कृषक अच्छे से कार्य कर सके और जो वास्तविक कृषक थे जिन्हें खेती करना आता था वो इस क्षेत्र में अच्छे से अच्छे तरीके से कार्य कर सके। तो ये सबसे पहला रहेगा चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, वास्तविक कृषकों को भू स्वामी बनाना। अब वो कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले जमींदारी प्रथा थी, जागीदारी प्रथा थी, तो जो स्वामी होते थे उनके पास बहुत सारी भूमि होती थी और जो कृषक होते थे उसमें कार्य करते थे और जो कार्य करते थे उसमें काफी मात्रा में लगान उनको जागीरदारों और जमींदारों को देना पड़ता था। तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया, जो जोते थी उसकी सीमा का निर्धारण किया, मतलब कि एक व्यक्ति के पास या एक किसान के पास या जागीरदार के पास या जमींदार के पास इतनी सीमा से ज्यादा भूमि नहीं हो सकती। अगर वो ज्यादा भूमि है उनके पास तो उसे सरकार अपने अंडर में कर लेगी। और इसके अलावा जो वास्तविक कृषक थे, जैसे जमीन तो किसी और की और कृषि कोई और कर रहा, तो वास्तविक कृषक तो जिसकी जमीन है वो तो हुआ नहीं, जो कृषि कर रहा है उसे ही तो खेती करना आता, उसे ही तो पता है कि खेती में हम कैसे काम करते हैं, कैसे बीजों को रोपा जाता है, कैसे उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, कैसे खाद का उपयोग किया जाता है। तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया, जो वास्तविक कृषक थे उनको वो स्वामी बनाया, उनको वो लैंड, अधिक लैंड देने का निर्णय किया, ताकि वो अच्छे से कृषि कार्य में अपने आप को संलग्न कर सके। क्यों, क्योंकि ऐसा होगा तो जब वो भूमि उनकी ही हो जाएगी तो अपनी भूमि समझ के और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा उत्पादन में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा मोटिवेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, निवेशों की प्रेरणा। अब भू स्वामी तो बना दिया लेकिन उसमें लैंड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, खाद का, उर्वरकों का, बीजों का, उन्नत किस्म के बीजों का। और हमारे देश के किसान इतने ज्यादा समृद्ध तो थे ही कि उनके पास बहुत ज्यादा पूंजी हो, तो उन्होंने निवेशकों को प्रेरणा देने की प्रेरणा दी ताकि वो किसान ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सके। अब लैंड सीलिंग की गई, भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया कि इतना भूमि किसी कृषक के पास होगी, इससे ज्यादा वो भूमि अपने पास नहीं कर सकता। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट, बिचौलियों का उन्मूलन किया गया। बिचौलियों का उन्मूलन
क्यों? क्योंकि जो बिचौलिए होते थे किसान और जमींदार के बीच में जो बिचौलिए होते थे वो आधे से ज्यादा उत्पादन को तो खुद ही खा जाते थे, तो कृषकों को न तो कृषकों को लाभ हो जाता और बाकी जो भी लगान होता था वो जमींदारों तक पहुँच पाता था, तो जो गरीब किसान होते थे उनके पास तो कुछ भी नहीं बचता था। तो सरकार का और मोटिव ये था कि बिचौलियों को हटाया जाए। बिचौलियों को हटाने से क्या है, सरकार और कृषक के बीच सीधा संपर्क हो गया, और सीधा संपर्क होने से क्या हुआ, किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होने लगा। सरकार की जो नीतियाँ थी किसानों के फेवर में वो लोगों को वो कृषकों तक सीधे पहुँचने लगी। जो भी निवेश संबंधी नीतियाँ हैं या पूंजी लगाने संबंधी नीतियाँ हैं सब सीधे कृषकों तक पहुँचने लगी, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ होने लगा। इसके अलावा इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में क्योंकि किसान ज्यादा पूंजी के साथ अच्छी उर्वरक तकनीकों के साथ उन्नत बीजों के साथ उत्पादन करेगा और अच्छे से मेहनत करके कार्य करेगा, तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन में वृद्धि होने लगी। इसके अलावा लगभग सरकार ने 200 लाख जो इंटरमीडिएट से जो काश्तकार थे उन्हें सीधे उन्हें बीच में से हटा दिया। करीब करीब 200 लाख मीन्स 2 करोड़ तक के जो इंटरमीडिएटर्स थे उन्हें बीच में से हटाया, तो किसानों और सरकार के बीच सीधा सीधा संपर्क होने लगा। इसके अलावा उस लेकिन इसके बीच इस भूमि सुधार कार्यक्रमों में कुछ कमियां भी रह गई। सबसे पहली कमी थी समानता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। जो काश्तकार को हटाने की जो नीति थी सरकार की वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। सरकार की कुछ कमियां रह गई जिसके का फायदा काश्तकारों ने उठाया, बिचौलियों ने उठाया, और जो हम चाहते थे कि किसान और सरकार का सीधा संपर्क हो वो नहीं हो पाया, कुछ कमियां रह गई, तो हमारे समानता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। लूपोल्स इन लेजिस्लेशन कानून की कमियां रह गई। जो सरकार ने कानून बनाए थे उनका बड़े बड़े जमींदारों जागीरदारों ने भू स्वामी में फायदा उठाया, उसकी कमियों को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा भूमि अपने नाम ही कर ली। और इसके अलावा एडिशन ऑफ टेनेंट्स काश्तकारों को बेदखल करने का जो उद्देश्य था वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया। इसके अलावा नॉन बेनिफिटेड पुअर फार्मर्स, पुअर जो किसान थे उन्हें भी इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि भू स्वामियों ने क्या किया था, जो लैंड थी उसको कोर्ट में चैलेंज किया था, जो लेजिस्लेशन जो सरकार ने बनाए थे उसे कोर्ट में चैलेंज किया। तो कोर्ट में चैलेंज करने के लिए जो उस समय के लिए उनकी भूमि से जोतों का निर्धारण सीमा रुक गई, और इस बीच में उन्होंने क्या किया, जो लैंड थी उसे अपने रिलेटिव्स के नाम कर दिया। अब रिलेटिव्स के नाम करने से क्या हुआ, भूमि भी उनके पास रह गई और सीमा का निर्धारण भी हो गया कि भाई एक किसान एक भू स्वामी के पास इतनी लैंड है और सरकार ने तो इतनी निर्धारित की है तो उनके पास रह गई, तो इससे क्या हो और कृषकों को लाभ नहीं हो पाया। और उनके चैलेंज करने के बाद कारण कि जो ज्यादा से ज्यादा भूमि भू स्वामियों के पास ही रह गई, तो इस कारण से जो भू सुधार कार्यक्रम में हमारे देश जो हमारे देश के अंतर्गत जो उन्नत बीजों और उन्नत तकनीक का जो सरकार का प्रयोग करने का जो प्रयास था वो काफी सीमा तक तो सफल रहा, लेकिन उसकी कमियों का फायदा लोगों ने उठाया। तो पूरी तरीके से जो हम कह सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स कार्यक्रम 1950 और 1990 के बीच में हमारे देश में सफल नहीं हो पाए, और इसका मेन कारण था वहाँ की जो सरकारी क्षेत्रीय जो सरकारें थी उनका पूरी तरह से जागरूक न भी होना। अब जैसे केरल और पश्चिमी बंगाल की जो सरकार थी ना वो लैंड रिफॉर्म्स की तरफ पूरी तरीके से जागरूक थी, वो चाहती थी कि उनके जो राज्य के जो नागरिक हैं जो कृषक हैं उन्हें अच्छे से जोतों या भू स्वामी बनाया जा सके और अच्छे से उनके कृषकों को फायदा मिले, तो उन्होंने बड़ी जागरूकता के साथ काम किया। तो वहाँ पे तो भू सुधार कार्यक्रम और प्रणाली सक्सेसफुल रही, बाकी क्षेत्रों में इतना ध्यान नहीं दिया गया, तो इस कारण से वहाँ पे भू सुधार कार्यक्रम या अधिकतम जोतों के निर्धारण की जो प्रणाली थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली। हमने देखा कि भूमि सुधार कार्यक्रमों का कैसे स्वतंत्रता के बाद 1950
1950 से 1990 के बीच में सरकार द्वारा नीति अपनाई गई, उसमें क्या सुधार होता, उसमें क्या कमियां रही, और उसके सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि हरित क्रांति के आने से पहले जो हमारे खाद्यान्न में उत्पादकता कम थी, हमें अपने आयातों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, वो सिंचाई की सुविधाएं भी कम थी क्योंकि हमारे चूंकि हमारी जो कृषि थी वो मानसून आधारित थी और मानसून की अधिकता और कमी दोनों से ही हमारे फसलों को नुकसान होता था, तो इन सभी कारणों से हमारे देश में कृषि उत्पादन में इतनी वृद्धि नहीं हो पाई थी। अब चूंकि हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन आई जिसके कारण हमारे देश में उन्नत किस्म के बीजों, सबसे पहले हरित क्रांति आने के लिए जो तकनीकों का जो उपयोग हुआ उसमें था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उन्नत किस्म के उच्च किस्म के बीज। उच्च किस्म के बीजों के आने से क्या हुआ, पैदावार में हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा और इन उच्च किस्मों के बीज के उपयोग के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी, सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता थी, उर्वरकों और कीटनाशकों जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज के लिए आवश्यकता हुई, उसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्स वित्तीय संसाधनों के भी उपयोग की आवश्यकता हुई। तो इसके कारण इन सभी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं में, उर्वरकों फर्टिलाइजर्स के यूज में और फाइनेंशियल रिसोर्स में भी डेवलपमेंट होने शुरू हो गए जिससे हमारे कृषि क्षेत्र में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। अब हरित क्रांति की दो स्टेजेस थी, सबसे पहले हरित क्रांति का जो प्रथम चरण था फर्स्ट स्टेज थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, वो 1960 to 1970 1960 से 1970 के बीच में रही। लेकिन इस समय हमारे देश में संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इतना उचित उपयोग तो नहीं मिल पाया जिसके कारण जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो कुछ स्टेट्स जो कि संपन्न थे, धन संपन्न थे, एग्रीकल्चर में भी वहाँ की जो लैंड थी वो काफ़ी अच्छी थी, उपजाऊ थी, इस कारण से केवल पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन तीन राज्यों को ही फायदा हुआ, बाकी देश के सभी राज्यों में इतनी उन्नति नहीं हो पाई। यहीं पर और बेसिकली गेहूँ का ही उत्पादन ज़्यादा हो पाया, अन्य फसलें जैसे चावल में भी हम उत्पादन अच्छा करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया था। तो प्रथम स्टेज में ग्रीन रेवोल्यूशन में सरकार को इतना फायदा नहीं हुआ इसका, लेकिन जो हरित क्रांति का दूसरा चरण था सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1970 to 1980 1980 में काफ़ी चेंजेस आए, इस समय हमारी टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा बढ़ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइजर का यूज होने लग गया, इरीगेशन फैसिलिटीज जो सिंचाई सुविधाएं उनका भी काफ़ी विस्तार हुआ जिससे क्या हुआ हमारी उत्पादकता में वृद्धि हुई, सरकार को सरप्लस मिलने लगा, अधिक उत्पादन मिलने लगा। पहले क्या होता था, कृषक जो उत्पादन करते थे उसका काफ़ी हिस्सा अपने उपभोग के लिए ले लेते थे, तो अपने उपभोग में ले लिया तो सरकार की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई नहीं, जो दूसरे लोग थे जो खेती नहीं करते थे उन्हें उच्च मात्रा में अन्न प्राप्त नहीं हो पाता था, तो जिसके कारण सरप्लस नहीं मिल पाता था। लेकिन अब क्या करने लगे थे किसान, अपना जो उत्पादन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेचने लगे थे जिसे विपणन अधिशेष कहा गया, मार्केट सरप्लस कहा गया, इससे हमारे उत्पादन में तो वृद्धि हुई थी, साथ में सरकार को बहुत फायदा होने लगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकार के पास अन्न की प्राप्ति होने लगी जिससे सरकार सभी लोगों में समान रूप से वितरण करने में अपनी भूमिका निभाने लगी। इसके अलावा सरकार अन्न का पर्याप्त स्टॉक रखने लगी, उस तथा इसके लिए सरकार ने काफ़ी स्टेप्स भी उठाए। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण पूरा जो फार्मर्स थे जो गरीब किसान थे उसके लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए, उनके रिस्क फैक्टर को उनके जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने उनको कम ब्याज दर पर ऋण दिया, उर्वरकों के लिए भी ब्याज देने लगे, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जिससे क्या हम गरीब जो किसान थे पूरा जो फार्मर्स थे उनके रिस्क फैक्टर कम होने से वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में अपना ध्यान देने लगे तथा उत्पादकता में वृद्धि करने लगे।
वृद्धि हो रही है। अभी हमने देखा कि जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में लैंड रिफॉर्म्स हुए, जो कृषि क्षेत्र में सुधार हुए, उससे हमारे जो देश में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तो बड़ी, लेकिन जो इसकी सहायता पर बहस छिड़ गई, जो इकोनॉमिक्स थे, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, वो कृषकों को दी जाने वाली गवर्नमेंट के द्वारा सहायता, जो सरकार उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण दे रही थी या अन्य सहायता दे रही थी, उस पर बहस छिड़ गई। तो इसके दो पक्ष सामने आए, कुछ अर्थशास्त्री तो सहायता देने के पक्ष में थे और कुछ जो इकोनॉमिक्स थे वो इसके फेवर में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे। तो जो कुछ अर्थशास्त्री इसके विपक्ष में थे, उनका कहना था कि प्रारंभ में जब हमारा जो छोटे जो किसान है, जो छोटे कृषक है, उन्हें तकनीकी के प्रयोग में, उर्वरकों के खरीद में सहायता पहुंचानी जरूरी होती है और ताकि वो बड़े किसानों से के साथ कम्पीट कर सके, उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर अपने आप को सक्षम बना सके। लेकिन धीरे धीरे जब वे अपने कार्य में सक्षम हो जाते हैं, उन्नत हो जाते हैं, जो छोटे कृषकों को दे रही है उनके आत्मनिर्भर बनने के बाद उसे हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं करने से क्या होता है कि जो सरकार पे क्या धीरे धीरे बोझ बढ़ता जा रहा है, सरकार अन्य संसाधनों पर उचित ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन इसके अलावा कुछ अर्थशास्त्री को मानना था वो ये सहायता देने के पक्ष में थे, वो इसके फेवर में थे कि जो कृषक है उनको सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट 1950 से 1990 के कृषि क्षेत्र में सुधार के बीच में जो सहायता दे रही है वो कंटिन्यू रखनी है, जारी रखनी है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे देश में कृषि जो जोखिम भरा व्यवसाय था वो मानसून पर ज्यादा निर्भर था और छोटे कृषकों और बड़े कृषकों में आय की असमानता ज्यादा हो गई थी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो छोटे कृषक थे उन्हें सहायता नहीं मिलने पर वो पीछे रह जाएंगे या उन्नत नहीं बन पाएंगे। तो दोनों ही पक्षों बहुत ही ज्यादा इस पे बहस चली कि सहायता दी जाए या नहीं दी जाए। तो जो भी देश में लैंड रिफॉर्म्स हुए या जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन है जिससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया था प्रोडक्शन सेक्टर में, इन सबके बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नेगेटिव साइंस भी रह गई थी, कुछ नकारात्मक पहलू भी रह गए थे। वो नकारात्मक ये पहलू थे कि जो हमारे अभी तक जो देश की जनसंख्या थी 1990 तक की बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि पर ज़्यादा निर्भर थी। जैसे जो पहले जो जनसंख्या 1950 में 67.50% जो जनसंख्या थी कृषि पर निर्भर थी, 1990 में 64.90 लगभग 65% जो जनसंख्या थी वो अभी भी कृषि पर निर्भर थी। तो जो कृषि सेक्टर में जो भार है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बर्डन हो रहा था वो कम नहीं हो पाया था। तो एक तो ये साइड रही, दूसरा इकोनॉमिक्स का मानना था कि जैसे जैसे राष्ट्र संपन्न होता है या समृद्ध होता है, अच्छा बनता है, तो उसका जो कृषि क्षेत्र का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी हमने पहले भी पढ़ा, सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं का जो मार्केट प्राइस होता है वो जीडीपी कहलाता है, उसका अंशदान एग्रीकल्चर सेक्टर का, इसमें अंशदान धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए। हमारे क्या हुआ कि इसका अंशदान तो कम हो रहा था पर जनसंख्या पर भार बढ़ रहा था। तो कुल मिलाकर अर्थशास्त्रियों को मानना था कि 1950 से 1990 तक जो रिफॉर्म्स किए गए वो इतने काफी नहीं थे जिससे हमारे कृषि क्षेत्र का बर्डन कम हो। लेकिन एक बात इसमें सबसे अच्छी ये हुई कि जो हमारा देश पहले खाद्यान्न का आयात करता था वो खाद्यान्न का निर्यात करने लग गया था तथा खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गए। अभी तक हमने देखा कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिपेंडेंस के बाद 1950 से 1990 तक क्या डेवलपमेंट हुए और उनमें क्या कमियां रही थी। अब हम देखते हैं कि हमारे जो उद्योग और व्यापार, जो इंडस्ट्री और ट्रेड है, उसमें कैसा हुआ। तो कुछ अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिक्स थे वो बिलीव करते थे, मानते थे कि किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट करना है तो वहाँ इंडस्ट्री को
करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक तो इसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ता है, रोजगार ज्यादा उपलब्ध होते हैं, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर के बनिस्पत ज्यादा स्थायी भी रहती है, मतलब स्टेबल ज्यादा रहती है, और किसी भी कंट्री की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के विकास से देश की में समृद्धि भी होती है, लोग धन संपन्न बनते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और हमने पहले देखा था कि जब इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा इंडस्ट्री और ट्रेड था वो कुछ सेक्टर्स तक ही सीमित था, कुछ एरियाज तक ही लिमिटेड था, कुछ क्षेत्र तक ही सीमित था। जैसे हमारे देश में सूती वस्त्र पटसन की ज्यादा उद्योग, थोड़े बहुत उद्योग थे वो भी सभी क्षेत्रों तक थे, और लोहा और इस्पात में जमशेदपुर कोलकाता तक ही सीमित था। तो अब जो हमारे देश के नीति निर्माताओं को औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत कुछ करना था, तो उसके लिए उन्होंने कुछ विचारधाराएं अपनाई, कुछ थॉट्स अपनाई कि किस क्षेत्र को कितना कैसे और किस क्षेत्र में इसका हम विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनका थॉट यह था कि भारतीय औद्योगिक विकास में निजी और सरकारी क्षेत्र कैसे होने चाहिए, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल ट्रेड। जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है उसके अंतर्गत निजी औद्योगिक जो विकास है उसको कैसे डिवाइड किया जाए, औद्योगिक डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने वो चाहते थे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से चाहते थे कि जो समाजवाद है उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहते थे, ज़्यादा इंकरेज करना चाहते थे, और वो साथ में ये भी चाहते थे कि औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए। तो औद्योगिक उस समय स्वतंत्रता के समय ना तो हमारे उद्योग इतने विकसित थे और ना ही हमारे पास इतनी कैपिटल थी, पूंजी थी कि हम अपने उद्योग को विकसित कर सकें। और इसके अलावा उनको औद्योगिक क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए, पूंजी में निवेश करने के लिए सरकार ने कई नीतियाँ बनाई, पर सरकार ये भी चाहती थी कि समाजवाद को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद ही हुआ था, तो लोगों के वेलफेयर के लिए उनको ज़्यादा सोचना था विकास के बारे में। तो उन्होंने क्या किया कि समाजवाद के लिए सरकारी क्षेत्र में कुछ सीमाएं बांध दी, सरकारी क्षेत्र में कुछ नियंत्रण कर दिए, जिससे कि औद्योगिक विकास तो हो सके और निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र अपने औद्योगिक विकास को औद्योगिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, लेकिन सिर्फ समृद्धि की तरफ ही ध्यान न दिया जाए बल्कि उसके लोगों के संपर्क के लिए भी ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि हमने देखा कि सरकार चाहती थी कि जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है उसका विकास तो हो लेकिन समाजवाद का भी विकास साथ साथ होता रहे। तो सरकार जो सरकारी क्षेत्र था वो भारी उद्योग जो बड़े उद्योग थे उस पर नियंत्रण रखना चाहती थी और कुछ ऐसी नीतियाँ बनाना चाहती थी कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही अच्छे से अपने कार्य को कर सके। इसके लिए सरकार ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 बनाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 बनाया। इसके अंतर्गत सरकार ने उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया। पहले वे उद्योग थे जिनमें सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता था, दूसरे वे उद्योग थे जिसमें सरकारी और निजी प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स का कंट्रोल होता था, दोनों आपस में मिलकर काम करते थे, और थर्ड वो सेक्टर होते थे जो कि सिर्फ निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में होते थे। लेकिन चूंकि सरकार का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये मोटिव था, उद्देश्य था कि समाजवाद की ओर हमें अग्रसर ज्यादा होना है, तो
छूट दे रखी थी उसके अंदर टैरिफ पे, उसके अंदर आयात के जो शुल्क लगते थे वो कम कर दिया था, और इसके अलावा भी सस्ती ब्याज दर ऋण उपलब्ध कराई थी, लाइसेंस पद्धति को सुगम कर दिया था ताकि बैकवर्ड एरियाज का विकास हो सके। तो इस तरह सरकार निजी क्षेत्र को जो उद्योगों के निजी क्षेत्रों में नियंत्रण होते हुए भी सरकारी क्षेत्र का उस पर पूरी तरह नियंत्रण रखती थी ताकि हमारे जो देश की जो मेन मोटिव है लोगों के वेलफेयर का वो भी पूर्ण हो सके और आर्थिक विकास भी हो सके। चूंकि सरकार ये चाहती थी कि जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है वो अपने स्तर पर अच्छे से विकास कर सके, तो इसके लिए सरकार ने लाइसेंस पद्धति का निर्माण किया, जो अपेक्षित उत्पाद था उसकी मात्रा को निश्चित किया कि भी हमारे देश में जितनी जरूरत है उतना ही उत्पादन किया जाए, उससे ज्यादा उत्पादन नहीं किया जाए, इन सभी सीमाओं का निर्धारण किया। और इसके लिए सरकार ने एक और चीज के विकास पर जोर दिया, वो था लघु उद्योग, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग हैं, उनके विकास पर बल दिया, क्योंकि ये उद्योग छोटे छोटे क्षेत्रों में भी केवल क्षेत्रीय विषमता के अकॉर्डिंग विकसित होने में ज़्यादा सक्षम थे, क्योंकि सरकार का एक और मोटिव था क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, क्षेत्रीय समानता को विकसित करना और इसे असमानता को दूर करना। इसके लिए सरकार ने लघु उद्योग समिति, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी, जिसे कवे कमिटी एक कर्वे समिति भी कहा गया, 1955 में इसको एस्टेब्लिश किया, इसको स्थापित किया। इसके अंतर्गत लघु उद्योगों की क्या परिभाषाएं दी गई कि जो भी अधिकतम जो निवेश है उसकी सीमा को निर्धारित किया गया किसी भी पूंजीपति द्वारा या उद्योगपति द्वारा। जैसे उस समय जब 1950-51 में लघु उद्योग समिति का जब गठन किया गया तब उस समय लघु उद्योगों को कहा जाता था जब जो कि 5 लाख तक का निवेश करते थे, मैक्सिमम जो इंडस्ट्री जो उद्योग है उसमें 5 लाख तक का निवेश करती थी, और वर्तमान में ये समय सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर दी गई। लेकिन अभी हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो अभी कुछ समय पहले ही अप्रैल में जब विशेष आर्थिक पैकेज लागू किया है उसके अंतर्गत उन्होंने लघु उद्योगों की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया है, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुई है, उस पर कार्य जो है अंडर प्रोसेस से विचाराधीन है, तो हम उसके बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे। अभी हम ये मान के चलेंगे कि लघु उद्योगों की जो वर्तमान में लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा तो लघु उद्योग इसलिए भी सरकार डेवलप करना चाहती थी कि क्योंकि ये श्रम प्रधान होते हैं, लेबर बेस्ड होते हैं, इससे क्या होता था लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेबर रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों में, देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का विकास ज्यादा से ज्यादा होगा। इसके अलावा ये इनको लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों से प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए सरकार ने कुछ उत्पादों को लघु उद्योग तक ही सीमित कर दिया था, मतलब सरकार ने निर्धारित कर दिया था कि कुछ उत्पाद सिर्फ लघु उद्योग ही निर्मित करेंगे, बड़े उद्योग या भारी उद्योग इसको निर्मित नहीं करेंगे। इसके अलावा सरकार कम ब्याज पे ऋण देती थी और उनके ऊपर वस्तु पे लगने वाले कर को भी कम कर दिया था ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले और भारी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा इनकी कम हो तथा देश का आर्थिक विकास सुदृढ़ हो सके। सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और एक चीज बनाई वो है ट्रेड पॉलिसी, जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि हमारी 1950 नीति प्रस्ताव 1956 से संबंधित थी। इस पॉलिसी ये दोनों लगभग समान ही थी। इस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने ये चाहा कि जो भी ट्रेड हो, जो भी व्यापार हो, उसके लिए जो घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिल सके विदेशी प्रतिस्पर्धा से, और इसके लिए सरकार ने आयात प्रतिस्थापन का जो नीति था इसे आयात प्रतिस्थापन नीति भी कहा गया, और इस आयात प्रतिस्थापन में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसका मेन मोटिव था कि जो आयातों के बदले देश में ही उन वस्तुओं का
बाहर से आने वाली जो वस्तुएं हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाए तो जो वे लोग हैं वो देश में उत्पादित वस्तुओं को ही उपभोग कर सकें। इसके अलावा सरकार ने कोटा निर्धारित कर दिया कि हमें इतनी ही वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो ज्यादा उत्पाद उतना ही करेंगे तो लोगों इतना करेंगे ताकि लोगों तक पहुंच सके। और सरकार ये भी चाहती थी कि देश के ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का निर्माण हो, जैसे कि जो वाहन हम बाहर से मंगाते थे वो देश में ही निर्मित करें ताकि जो विदेशी प्रतिस्पर्धा हो वो कम हो सके और देश के उद्योगों को जो सरकार उद्योगों का डेवलपमेंट चाहती थी देश के अंदर उन्हें बढ़ावा मिले और हम विकासशील देशों के जो उद्योग दे रहे हो विकसित देश जो डेवलप्ड कंट्री है उससे कॉम्पिटिशन में बन सके, क्योंकि हम जानते हैं डेवलप कंट्रीज में तो पहले से हाई टेक्नोलॉजी का यूज होता था और हमारे इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी तो हमारी जो कॉस्ट थी वो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ज्यादा आती थी बाहर की कंट्रीज से। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बनाई ताकि देश देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की और ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके तथा हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। अब जितनी भी पॉलिसीज जो हमने पढ़ी जो सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए की थी, चाहे वो औद्योगिक नीति प्रस्ताव, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजुलेशन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जो भी किया है, इसके अलावा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए जो भी पॉलिसीज अपनाई उनका हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ा, वो क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल रही या नहीं रही। तो हम देखते हैं कि जब 1951 में जहाँ हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जीडीपी में जो परसेंटेज था वो केवल 13% था, तो और 1991 में बढ़ गया तो कितना हो गया 24.6%, 24.6% हो गया। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई थी और साथ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई थी तो इसका जीडीपी में अंशदान तो बढ़ा था, मतलब हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, डेवलप कर रही थी। लेकिन फिर भी कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना था कि इसमें काफी कुछ कमियां रही, जैसे इकोनॉमिस्ट का मानना था कि सरकार ने जो संरक्षण प्रदान किया जो इनलैंड जो इंडस्ट्रीज थी जो देश के अंदर की जो इंडस्ट्रीज थी उसको एक सीमा के बाद हटा देना चाहिए था ताकि वो जो घरेलू उद्योग हैं जो देश के अंदर के जो उद्योग है वो बाहर के उद्योगों से कॉम्पिटिशन कर सके जिससे कि उनकी ही क्वालिटी डेवलप हो, उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, वो अच्छे से अच्छे उत्पादन करने में और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने में सक्षम हो सकेंगे। तो उनका मानना था कि एक सीमा तक हम उन्हें प्रोटेक्शन दे संरक्षण दे लेकिन उसके बाद वो प्रोटेक्शन हटा ले ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, अदरवाइज अगर कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता तो क्या होता है अपने हिसाब से करे जाते हैं उन्हें न तो ये पता चलता है वो ग्रोथ कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन से पता चलता है। तो वो चाहते थे कि एक संरक्षण के बाद जब उद्योग विकसित हो जाए तो उनमें से सरकार का संरक्षण हटा लिया जाए और उन्हें अपना ग्रो करने दिया जाए। और दूसरा नुकसान ये था कि जो घरेलू उद्योग थे क्योंकि चूंकि कोई कॉम्पिटिशन था ही नहीं उनका, वो अपनी मनमर्जी से घटिया वस्तुओं का भी उत्पादन करने लगे, लो क्वालिटी की गुड्स का प्रोडक्शन करने लगे, लो क्वालिटी प्रोडक्शन और मनमानी कीमतों पर बेचने लगे जिससे कि हमें क्या है कॉस्ट ज्यादा लगने लगे और गुड्स अच्छे से प्राप्त नहीं हो रही थी। अगर उनका फॉरेन ट्रेड से कॉम्पिटिशन होता तो शायद उनकी क्वालिटी बेहतर होती और वो अच्छे से कार्य कर सके। लेकिन फिर भी हमारे जो देश के अंदर औद्योगिक विकास चूंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी तो क्षेत्रीय असमानताएं भी कम हुई, रीजनल जो डिफरेंसेस थे वो कम हुए, लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलने लगा। और दूसरा क्या हुआ कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बर्डन था वो थोड़ा बहुत क्या हुआ कम होने लग गया था, तो ये चीज काफी फायदेमंद रही सरकार के लिए। तो कुल मिला के जो पॉलिसीज 1990 तक 50 से 90 तक बनी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसका मिला जुला कुछ अच्छा पक्ष भी था तो कुछ नेगेटिव साइड भी थी, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र
पॉलिसी सरकार ने